हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग ईवीएस क्लास 3 का पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 एनिमल्स। एनिमल्स अलग अलग तरह के होते हैं तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे लेसन 6 से। आप लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए और रीडिंग वीडियो पॉज कर करके मैं जैसे पढ़ रहा हूं वैसे तुम लोग भी पढ़ सकते हो। एनिमल्स जानवर, पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लिव विथ अस। पालतू जानवर हम लोगों के साथ रहते हैं, पेट जो है वो पालतू जानवर होते हैं जिसको हम लोग प्यार से पालते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, किसी काम नहीं आते हैं, और डोमेस्टिक जो हमारे घरेलू जानवर हैं जो घर के काम करते हैं या घर के काम में हमारा हाथ बढ़ाते हैं या किसी न किसी फायदा हमको फायदा पहुंचाते हैं। तो जो जानवर हम लोग घरेलू काम के लिए पालते हैं, दोनों पालतू होते हैं, पेट एंड डोमेस्टिक दोनों का मतलब पालतू ही होता है, लेकिन जो सिर्फ मन बहलाने के लिए प्यार से पालते हैं उसे पेट कहा जाता है, और जो पालतू जानवर होते हैं जो घरेलू होते हैं घर के काम में हाथ बटाते हैं जैसे बैल घोड़ा इन सब चीजों को हम डोमेस्टिक कहते हैं। डॉग्स कैट्स काउस गोट बुलॉक्स बुफेलोज शीप हॉर्सेस हेंस डोंकीज इटीसी मूव इन एंड अराउंड आवर नेबरहुड। ये सब जानवर जो है ये हमारे नेबरहुड में आस पास पड़ोस में रहते हैं, चलते फिरते हैं, हम लोग देखते हैं। They are useful to us. ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। We get milk from cows and goats. हम लोगों को बकरियों और गायों से दूध मिलता है। Eggs from hens and ducks. और बतख और मुर्गियों से अंडे मिलते हैं। Meat from hen and goats. और बकरियों और मुर्गियों से गोश्त भी मिलते हैं। We also eat fish. और हम लोग मछलियां भी खाते हैं। We get wool from sheep. भेड़ों से हम लोगों को ऊन मिलता है। बुलॉक्स डंकीज एंड हॉर्सेस कैरी लोड फॉर अस। और बैल गधे घोड़े हम लोगों का सामान ढोने में मदद करते हैं। डॉग्स गार्ड आवर होम्स। और कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं। बट वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट रोम फ्रीली इन आवर नेबरहुड। लेकिन जंगली जानवर हमारे पास पड़ोस में फ्रीली नहीं घूमते हैं, नहीं दिखते हैं। दे लिव इन जंगल्स, वो जंगल में रहते हैं। वी कैन सी देम इन जूज सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। लायंस एलिफेंट्स टाइगर्स जेब्रा जिराफ रिनोसेरस एंड सम वाइल्ड एनिमल्स। तो उन्हें हम देख सकते हैं जंगली जानवरों को जूज में चिड़ियाघरों में सेंचुरी जहां उनको पालना पाला पोसा जाता है बचा के रखा जाता है, और या नेशनल पार्क्स ऐसे जगह को जहां पे जानवरों को सिर्फ रखा जाता है उनकी हिफाजत की जाती है उसे नेशनल पार्क या सेंचुरीज कहते हैं। तो लायंस एलिफेंट टाइगर्स जेब्रा ये सारे जानवर शेर हाथी बाघ चीता सारे जानवर जो हैं जो भी नाम दिए गए हैं या और भी जो जंगली जानवर हैं वो हम चिड़ियाघरों में या सेंचुरीज में देख सकते हैं। बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, बड़े और छोटे जानवर। जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। पेड़ पौधे हम लोग पढ़े हैं तो इसीलिए कह रहा है कि पेड़ पौधों के तरह ही जानवर भी छोटे और बड़े आकार में अलग अलग आकार में अलग अलग शेप और साइज में होते हैं। द एलिफेंट टाइगर हिप्पोपोटामस राइनोसोरस जिराफ इटीसी आर बिग एनिमल। तो ये सारे जानवर जो हैं हाथी शेर बाघ हिप्पो राइनोसोरस या जो गेंडा जिराफ ये सब बड़े जानवर में माने जाते हैं, बड़े जानवर में गिने जाएंगे। द कैट रैबिट डक रैट स्क्वेरल डॉग इटीसी आर स्मॉल एनिमल। तो ये जो है बिल्ली खरगोश बतख चूहे गिलहरी कुत्ते ये सब छोटे जानवर होते हैं, इनकी साइज जो है इनके आकार साइज छोटे होते हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल, जानवरों के अंग क्या होते हैं, शरीर के अंग क्या क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव फोर लेग्स, अधिकांश जानवरों को चार पैर होते हैं। काउस गोट शीप हॉर्सेस इटीसी वॉक ऑन देयर फोर लेग्स। ये सब जानवर गाय बकरियां भेड़ और घोड़े सब चार पैरों पे चलते हैं, अपने चारों पैरों से चलते हैं। रैबिट्स एंड कंगारूज हॉप ऑन देयर स्ट्रॉन्ग हिंड्स लेग। और रैबिट जो है खरगोश और कंगारू अपने हिंड्स लेग से कूदते हैं,
हिंड्स लेग कहते हैं, पीछे वाले पैर के, जानवरों के जो दो पैर पीछे होते हैं उसको हिंड लेग्स कहते हैं। तो अपने पीछे पैरों पर बल देकर और ये जानवर रैबिट और कंगारूज कूदते हैं। ए डियर हैज थिन लेग्स टू आउट रन इट्स एनिमीज। डियर के पास हिरन को पतले पैर होते हैं जो अपने दुश्मनों से भागने में मदद करती है, आउट रन कहते हैं वहां से भागना, बचना, तो उससे बचकर भागने में उसके पतले पैर मदद करते हैं। स्नेक्स एंड अर्थ वर्म्स डू नॉट हैव लेग्स। सांप और अर्थ वर्म जो जमीन के कीड़े होते हैं, जमीन के कीड़े, उनके पैर नहीं होते हैं। दे स्लीथर ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर रेंगते हैं। क्या करते हैं, उनके पैर नहीं है चलने के लिए तो जमीन पर रेंगते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, बटरफ्लाइज, इटीसी है सिक्स लेग। और जो कीड़े जैसे कि चींटियां, बटरफ्लाई, तितलियां, उनके पास छह पैर होते हैं। फिश डू नॉट हैव लेग्स, मछलियों के पैर नहीं होते हैं। दे हैव फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर, उनको फिन्स होते हैं, सुफना कहते हैं इसको हिंदी में, सुफना, जो पंख आकार के उनके साइड में बना होता है, और टेल्स, पूंछ होती है जिससे वो पानी में चलते हैं या तैरती हैं। सम एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू सूट देयर लाइफ स्टाइल, कुछ जानवरों को एक विशेष प्रकार के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के हर जानवर में पार्ट्स होते हैं, तो कुछ जानवरों को विशेष पार्ट्स होते हैं जो उनके लाइफ स्टाइल को, उनकी जिंदगी को सूट करता है। ए जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक टू ईट लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, जिराफ को जो है लंबी गर्दन होती है जिसकी मदद से वो लंबे लंबे पेड़ों से, पौधों से अपना पत्तियां खा लेता है। एन एलिफेंट हैज ए ट्रंक टू पिक एंड ड्रॉप थिंग्स, एलिफेंट को एक सूंड होती है जिससे वो सामान को उठाता है और रखता है। फ्रॉग्स एंड कैमिलियंस हैव लॉन्ग टंग टू कैच इंसेक्ट्स, मेढकों को और गिरगिट को लंबी जुबान होती है जिससे वो कीड़े पकड़ते हैं, उनको कीड़े पकड़ने में उनकी जुबान मदद करती है। एनिमल्स हैव टेल्स, जानवरों को पूंछ होती है, पूंछे होती है उनको, विच दे यूज फॉर स्पेशल पर्पस, वो एक विशेष काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने पूंछ को कुछ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंकीज एंड लंगूर्स यूज देयर टेल्स टू हैंग फ्रॉम ट्रीज, मंकी, बंदर और लंगूर जो है अपने पूंछ की मदद से पेड़ों पर लटक जाते हैं। देयर टेल्स आर सो स्ट्रांग दैट दे कैन सपोर्ट द वेट ऑफ देयर बॉडीज, उनकी पूंछ इतनी बड़ी होती है कि उनके पूरे बदन के भार को, वजन को रोक लेता है। कंगारूज यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी वाइल सिटिंग ऑन द हिंड लेग्स, और अपने पिछले पैरों पर बैठने के लिए कंगारू अपने दुम की मदद से बैलेंस लेते हैं, दोनों तरफ वजन बराबर करने में पूंछ से मदद लेते हैं। काउज एंड बुफेलोज यूज देयर टेल्स टू शो अवे फ्लाइज एंड इंसेक्ट, और गायें और भैंसें जो हैं अपने दुम से मक्खियां या कीड़े, ये जो भी मच्छर उनके बदन पे बैठते हैं, उनके शरीर पे बैठते हैं, तो उनको भगाने में मदद करते हैं, उनसे पूंछों से अपने मार के भगाती हैं। लिजर्ड्स यूज देयर टेल्स टू कंफ्यूज देयर एनिमीज, लिजर्ड जो है छिपकली अपने दुश्मनों को अपने पैर पूंछ से, टेल से धोखा देने में, उन्हें कंफ्यूज करने में, उन्हें सोचने पे मजबूर करने में मदद करते हैं, उनसे पूंछों से ऐसा करते हैं कि उनको धोखा हो जाता है। वेन कॉट बाई एन एनिमी, जब वो किसी दुश्मन से पकड़े जाते हैं, कोई उनको शिकार करना चाहता है, उनकी पूंछ कोई पकड़ता है, दे ब्रेक ऑफ देयर टेल्स एंड एस्केप टू सेफ्टी, वो अपने पूंछ को तोड़ देते हैं, वहां से छोड़ देते हैं वहीं पे जो कोई पकड़ता है तो, और वहां से भाग निकलते हैं। यहां देखो जैसे पूंछ टूट गया है, और बाद में इनका पूंछ फिर से निकल भी आता है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के खाना खाने की जो हैबिट है वो कैसी होती है देखते हैं। देयर इज ए डाइवर्सिटी इन फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के खाना में भी, जानवरों के खाना में भी अलग अलग तरह के
डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह से सारे जानवर खाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। एनिमल्स लाइक द काउ हॉर्स जिराफ इटीसी ईट ओनली प्लांट्स, ये जो एनिमल्स हैं गाय घोड़ा जिराफ या इस तरह के और भी जानवर, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। एनिमल्स लाइक द टाइगर लियोपर्ड लायन स्नेक इटीसी हंट एंड ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो ये जो जानवर है जैसे कि शेर बाघ चीता सांप, ये शिकार करते हैं और दूसरे जानवर का शिकार करके और खा जाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो उन्हें कार्निवोर्स मांसाहारी कहा जाता है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ जानवर प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मीट गोश्त भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवर्स, उन्हें ओमनीवर्स कहा जाता है, सर्वोहारी कहा जाता है, जो सब चीज खाते हैं उन्हें सर्वोहारी या ओमनीवर्स कहते हैं। द क्रो बियर ह्यूमंस इटीसी कम अंडर दिस ग्रुप, ये जो है कौआ भालू आदमी ये इस ग्रुप में आते हैं। एनिमल्स लाइक द हैना जैकल एंड वल्चर डू नॉट हंट, ये जो जानवर हैं हैना या जैकल और वल्चर लकड़बग्घा सियार और गिद्ध ये शिकार नहीं करते हैं, दे डू नॉट हंट। दे ईट द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम अदर एनिमल्स किल, जो दूसरे जानवर शिकार करते हैं मारते हैं और वहां जो बच जाता है उसको ये जानवर खा जाते हैं। दे ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, और ये मरे हुए जानवरों का भी गोश्त खाते हैं। दे आर कॉल्ड एस्केवेंजर्स, इन्हें एस्केवेंजर कहा जाता है, जो खुद से शिकार नहीं करते हैं लेकिन गोश्त खाते हैं दूसरे का शिकार किया हुआ या मरा हुआ, तो उसे एस्केवेंजर कहते हैं। एनिमल्स हैबिटेट, जानवर का घर आशियाना जहां रहते हैं रिहाइश। जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन ऑल द प्लेसेस, एनिमल के प्लांट के तरह जानवर भी हर जगह पाए जाते हैं, अलग अलग जानवर हो सकते हैं लेकिन जानवर हर एरिया में पाए जाते हैं। दे लिव ऑन लैंड इन वाटर इन एयर एंड इवन अंडर सॉइल, तो ये जमीन पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं और मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव ऑन लैंड, लेकिन अधिकतर जो जानवर हैं वो जमीन पर रहते हैं। दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इन्हें जमीन का जानवर कहा जाता है, लैंड एनिमल कहा जाता है। द हॉर्स लायन शीप डॉग इटीसी कम अंडर दिस कैटेगरी, तो घोड़ा शेर भेड़ कुत्ते ये इन कैटेगरी में, और आदि बहुत सारे जानवर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। जो भी तुम जमीन पर जानवर देखते हो ये सब लैंड एनिमल्स हैं। उसके बाद से आते हैं एनिमल्स लाइक द फिश ऑक्टोपस स्टार फिश इटीसी लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये जो जानवर है मछलियां ऑक्टोपस या स्टार फिश ये सब पानी में रहते हैं और इन्हें वाटर एनिमल या एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। एक्वा मतलब पानी होता है, तो इन्हें एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है या वाटर एनिमल कहा जाता है, पानी का जानवर। सम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग टोड टर्टल क्रोकोडाइल इटीसी कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन, कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो जैसे कि मेढक हो गया, टोड हो गया, या टर्टल कछुआ या क्रोकोडाइल, तो इन सब जानवरों को एम्फीबियन कहते हैं, जो जमीन और पानी दोनों में रह लेता है उसे एम्फीबियन कहा जाता है। एनिमल्स लाइक द मंकी लंगूर चिंपैंजी कोआला लिव ऑन ट्रीज, दे आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, बंदर लंगूर चिंपैंजी कोआला, कोआला अपने यहां नहीं पाया जाता है, एक तरह का जानवर है जो बिल्कुल भालू की तरह दिखता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये सब जानवर जो है एरोबियल जानवर कहे जाते हैं, ये लोग पेड़ पर रहते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स टर्माइट्स एंड एंट्स लिव अंडर द ग्राउंड, ये जो जानवर है ये जो कीड़े हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं, दे आर कॉल्ड क्राउलर्स, उन्हें क्रॉलर्स कहा जाता है। केचुआ हो गया, टर्माइट्स कीड़ा एक तरह का, ये भी एंट्स चिटियां, ये सब जमीन के अंदर रहते हैं और इन्हें क्रॉलर्स कहा जाता है। एनिमल्स होम, एनिमल्स के घर,
वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर स्पेशल होम, जंगली जानवर अपने विशेष प्रकार के घर में रहते हैं। ए लायन लिव्स इन ए डेन, लायन जो है वो डेन में रहता है, गुफा में रहता है, जो ये मांद या गुफा जो जिसमें शेर रहते हैं, लायन रहते हैं, उसे डेन कहते हैं। ए बी लिव्स इन ए बी हाइव, मधुमक्खियां अपने छत्ते में रहती हैं, बी हाइव्स में रहती हैं। ए रैबिट लिव्स इन ए बोरो, और रैबिट जो है अंदर खुद के खुदाई कर लेता है और उसके अंदर आता है, गड्ढे के होल के अंदर, या बोरो कहते हैं जो बड़ा होल बना लेता है। ए माउस लिव्स इन ए होल, और बिल में रहता है, चूहा जो है बिल में रहता है। एंड एंट्स लिव एंड एंट हिल, और एंट जो है वो अपने छिद्र में छोटा छोटा बारीक छिद्र बना लेती है, उसमें रहती है। ए बर्ड मेक्स ए नेस्ट फॉर इट्स यंग वंस, और चिड़िया घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए और उसमें रहती है। वी बिल्ड होम्स फॉर आवर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, हम लोग अपने डोमेस्टिक जो घरेलू जानवर हैं या पालतू जानवर हैं उनके लिए घर बनाते हैं, तो उसका भी अलग अलग नाम है। यहाँ देख लो, ए केनल फॉर डॉग्स, डॉग्स का जो घर है उसको केनल कहते हैं। ए कूप फॉर हेंस, और मुर्गियों के लिए जो बनता है दरबा उसे कूप कहते हैं। ए स्टेबल फॉर हॉर्सेस, हॉर्स घोड़ों के लिए अस्तबल बनता है, अस्तबल में रहते हैं। ए हच फॉर रैबिट्स, और रैबिट्स के लिए खरगोश पालने के लिए हच बनाया जाता है। ए काउ शेड फॉर काउज, और गायों के लिए काउ शेड बनाया जाता है, उसमें रहते हैं। ए स्टाई फॉर पिग्स, और पिग्स के लिए स्टाई होता है। तो ये सब अलग अलग नाम है, स्टाई, काउ शेड, हच, केनल, कूप, स्टेबल, तो ये याद रखने की चीज है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर जो है नीचे सोफा नेम द स्मॉलेस्ट एनिमल्स दैट यू हैव सीन, जो सबसे छोटा जानवर अब तक तुम देखे हो यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट लार्जेस्ट एनिमल हैव यू सीन एंड वेयर, और सबसे बड़ा जानवर तुम अब तक देखे हो वो यहाँ लिखना है, और कहाँ देखे हो यहाँ लिखना है, जगह का नाम। नेम एन एनिमल दैट हैज नो टेल, ऐसा जानवर का नाम लिखो जिसको दुम नहीं होता है, पूंछ नहीं होता है। यहाँ कोई भी जानवर देखो जिसकी पूंछ नहीं है, टेल नहीं है, उसका नाम यहाँ लिख लो। नेम द एनिमल दैट कैन हैंग फ्रॉम ए ट्री बाय इट्स टेल, एक ऐसे जानवर का नाम लिखो जो अपने पूंछ से लटक जाता है, पेड़ों पर अपने पूंछ से लटक जाता है। इन व्हाट डज योर पेट डॉग लिव इफ यू हैव एनी, अगर तुम्हारे पास कोई कुत्ता है तो कहाँ रहता है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये बताए जाएंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसका अलग से क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना के मैं डालूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।